दोस्तों अगर आप भी भारत के अंदर किसी बैंक के साथ पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों भारत में बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि आपको पर्सनल लोन देते हैं बट इनमें से कौन से बैंक्स के साथ आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है तो आज के इस वीडियो में हम आपको पाँच ऐसे ही बैंक्स बताएंगे जिसके साथ आप पर्सनल लोन ले सकते हैं देखिए किसी भी बैंक के साथ पर्सनल लोन लेने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना है कि बस वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट जो है यानी जो ब्याज दर है वो आपसे कम लिया जाए और साथ में आपसे प्रोसेसिंग फीस कम लिया जाए इसके अलावा लोन अमाउंट आपको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और साथ में आपका जो टेन्योर है यानी लोन को चुकाने का जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा आपको मिलना चाहिए दोस्तों हमारे लिस्ट में जो बैंक नंबर पाँच पोजिशन पे है वो है एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक के साथ आपको पर्सनल लोन लेने के लिए आपका उम्र कम से कम इक्कीस वर्ष से लेकर कर साठ वर्ष के बीच में होना चाहिए आपका जो महीने का इनकम है वो पंद्रह हज़ार रुपये होना चाहिए साथ में यहां पर आपको जो लोन का इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है वो आपसे बारह परसेंट से ले कर चौबीस परसेंट हर साल का लगाया जाता है इसके अलावा यहां पर आपको पचास हजार रुपये से ले कर पंद्रह लाख रुपये तक का लोन अमाउंट दिया जाता है जिसे भरने के लिए आपको साठ महीनों तक का समय यहां पर दिया जाता है अगर आप एक्सिस बैंक के साथ पर्सनल लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद जो लोन का अमाउंट है उसमें आपको 1.5 परसेंट से लेकर 2 परसेंट और प्लस जीएसटी आपको यहां पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में चार्ज किया जाएगा दोस्तों तो ओवरऑल ये बहुत ही बेस्ट बैंक है बस यहाँ पर आपसे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिया जाता है दोस्तों अब जो अगला बैंक है हमारे लिस्ट में नंबर चार पोजीशन पे है वो है कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है और इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको एक्सिस बैंक से कम लगाए जाते हैं यहाँ पर आपसे जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है लोन पे आपको लगभग ग्यारह परसेंट से लेकर लगभग इक्कीस परसेंट के बीच में आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है और यहाँ पर लोन लेने के लिए आपका उम्र जो है इक्कीस वर्ष से लेकर अंठावन वर्ष के बीच में होना चाहिए लोन का अमाउंट जो है आपको मैक्सिमम पंद्रह लाख रुपए तक का यहां पर दिया जा सकता है साथ में यहां पर आपसे एक चार्ज लिया जाता है प्रोसेसिंग चार्ज जब भी आप लोन ले लेंगे लोन लेने के बाद जो भी लोन का अमाउंट होगा उसका ढाई परसेंट प्लस आपको जी एस पर प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में देना होगा इसके अलावा यहां पर आपको प्री पेमेंट चार्जेस भी लगाए जाते हैं और क्लोजर चार्जेस पांच प्लस जी आपको देना होता है साथ में लोन को भरने के लिए यहाँ पर आपको साठ महीनों का समय दिया जाता है तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोटक महिंद्रा

वो है साढ़े दस परसेंट से लेकर साढ़े इक्कीस परसेंट के बीच में ये डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट का लोन लेते हैं छोटे अमाउंट का लोन लेंगे तो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा और बड़े अमाउंट के लोन पे आपसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वही यहाँ पर आपसे प्रोसेसिंग फीस भी लिया जाता है यानी लोन को लेने के बाद जो भी लोन का अमाउंट होगा उस अमाउंट का यहाँ पर ढाई परसेंट आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में देना होगा और कम से कम जो प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज किया जाएगा वो है एक हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपये का इसके अलावा यहाँ पर लोन अमाउंट आपको पंद्रह लाख रुपये तक का दिया जाता है और लोन भरने के लिए आपको बारह महीनों से लेकर साठ महीनों तक का समय दिया जाता है

को पर्सनल लोन दिया जाता है उस पर जो ब्याज लिया जाता है वह है साढ़े दस परसेंट से लेकर लगभग साढ़े अठारह परसेंट तक का हर साल का इसके अलावा पर आपको मैक्सिमम बीस लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है साथ में यहाँ पर आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाता है जो कि परसेंट का होता है यानी ये जो प्रोसेसिंग फीस है बाकी अदर बैंकों के मुकाबले बहुत कम है साथ में आपसे जीएसटी भी यहाँ पर लिया जाता है इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं यहाँ पर पांच आपको टोटल लोन अमाउंट का साथ में जीएसटी आपको चार्ज के रूप में

तो वो बैंक है एस यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों अभी तक हमने पिछले जो भी बैंक्स आपको बताए वो सारे प्राइवेट बैंक्स थे बट अगर आप गवर्नमेंट बैंक के साथ पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है फिर चाहे आप प्राइवेट बैंक में देखें या फिर आप गवर्नमेंट बैंक में देखें सभी बैंक्स में सबसे बेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे पर्सनल लोन के लिए लगा चूंकि बहुत से लोग गवर्नमेंट बैंक भी प्रेफर करते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए तो एक ट्रस्ट भी यहां पर बन जाता है दोस्तों यहां पर हम बात करें लोन के प्रोसेस के बारे में तो यहां पर आपका जो उम्र है लोन लेने के लिए इक्कीस वर्ष से लेकर वर्ष के बीच में होना चाहिए आपको पंद्रह लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन दिया जा सकता है साथ में यहाँ पर जो आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो बाकी सभी अदर बैंक्स के मुकाबले बहुत कम चार्ज किया जाता है यहाँ पर आपसे जो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज लिया जाता है वो नौ से लेकर पंद्रह हर साल का लिया जाता है साथ में यहाँ पर आपसे प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम चार्ज किया जाता है मात्र एक आपके लोन के अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस आपसे लिया जाता है जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो इसके अलावा यहाँ पर आपसे टैक्स भी लिए जाते हैं जी वगैरह साथ में यहाँ पर आपको मिनिमम जो इनकम का रिक्वायरमेंट होता है वो पाँच हज़ार पर मंथ का होता है यानी पाँच हज़ार तक आप अगर हर महीने कमाते हैं तो आप इस लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं लोन को भरने के लिए यहाँ पर आपको साठ महीनों तक का समय दिया जाता है तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए सबसे बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ पर आपसे सबसे कम इंटरेस्ट रेट लिया जाता है प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस भी आपसे सबसे कम लिए जाते हैं साथ में अगर आपका एनुअल इनकम या फिर आपका जो मंथली इनकम है वो कम है पैसे कम कमाते हैं फिर भी आसानी से यहाँ पर आपको लोन दिया जा सकता है तो यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट गवर्नमेंट बैंक में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ के सर्विसेज बहुत स्लो होते हैं यानी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ लोन अप्लाई तो आपको टाइम लग सकता है तो इसीलिए आप अदर बैंक्स के साथ भी लोन अप्लाई कर सकते हो हमने इस वीडियो में आपको जितने भी बैंक्स बताए हैं उनमें से किसी भी बैंक के साथ अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक बैंक का पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पर कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा